हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4, जिसमें हम इक्वेशंस बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दे रखे होंगे, उनसे हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। इसमें हमें जो इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ी थी, उनका एप्लीकेशन क्या है, डेली लाइफ में क्या यूज़ होता है, वो हम इसमें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ सिंपल एग्जांपल से हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सिंपल से आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगर फर्स्ट देखते हैं, ए वाला, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि 8 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। मतलब आपको ऐड करना है 4 to 8 टाइम्स अ नंबर, मतलब आपको कोई नंबर एज्यूम करना है और उसमें आपको उसके 8 टाइम में आपको 4 ऐड करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड द अननोन नंबर, ठीक है। तो हम लिख देते हैं लेट द नंबर इज एक्स, ठीक है। इक्वेशन बनाने से पहले आपको जो भी क्वेश्चन है फाइंड आउट करना होता है, उसको आपको एक्स एज्यूम करना होता है, ठीक है। आपको एक्स मानना होता है। मैंने यहाँ पे लेट द नंबर इज एक्स, मेरे को जो नंबर फाइंड आउट करना है वो नंबर एक्स है, मैंने इसको एज्यूम कर लिया। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 4 8 to 8 टाइम्स अ नंबर, ठीक है। मेरे पास ये जो नंबर है इसमें इसके 8 टाइम्स में 4 ऐड करना है। मतलब स्टेटमेंट मेरा है 8 टाइम ऑफ एक्स एंड 4, 4 to 8 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड अ नंबर यू गेट 60, हमें मिलता है 60। इक्वेशन हमारी बन चुकी है, ठीक है। स्टेटमेंट जो दे रखा था उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बनाई। अब इसको सोल्व करके हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमें नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। 8x 4 को ट्रांसपोज कर देंगे, ये हो जाएगा 60 माइनस 4, 8x इज इक्वल टू आएगा 56 एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा 56 अपॉन 8 एंड ये x से 7 टाइम कट जाएगा, x इज इक्वल टू मिलेगा हमको 7, तो x की वैल्यू 7 आएगी, ठीक है। तो आपको जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना, उसके बाद उसको आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका भी, 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। मतलब कि आपको एक नंबर दे रखा है 1/5, आपको जैसे कोई नंबर है उसका 1/5 -4, ठीक है। मींस लेट द नंबर इज एक्स, ठीक है। हम मान के चलेंगे सब जगह जो नंबर है एक्स है, ठीक है। मैंने एक बार इसको एज्यूम कर लिया, लेट द अननोन नंबर इज एक्स, ठीक है। अब हम क्या करें, एक्स का क्या लेना है हमें, 1/5 इन इट मीन्स 1/5 ऑफ एक्स, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा 1/5 ऑफ अ नंबर, यानी कि मैंने लिख दिया 1/5 ऑफ द नंबर एक्स, ठीक है। -4, हम -4 करते तो हमें मिलता है 3, गिव्स 3। तो इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन का जो स्टेटमेंट था उसको हमने लिख लिया है 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। अब इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो ये x अपॉन 5 हो गया हमारे पास, और 3 को 3 के साथ मैं 4 लेके आऊँगा, ये इस तरफ माइनस का है तो ये इस तरफ जाके, यानी कि RHS में जाके ये प्लस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर दोनों मिलकर 7 एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, तो x इज इक्वल टू आएगा 35, तो x की वैल्यू 35 आएगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, मतलब मैं उस नंबर, जैसे मैंने x नंबर एज्यूम कर रखा है उसका मैं लेता हूँ टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, 3/4 लेना है एंड एड 3 to 8, आई गेट 20। मतलब मैं उस नंबर का 3/4 लेता हूँ, ठीक है। 3/4 मीनिंग 3/4, नंबर है हमारे पास x एज्यूम कर रखा, ठीक है। 3/4 ऑफ अ नंबर, 3/4 ऑफ अ नंबर एंड एड 3, और हमें इसमें ऐड करना है 3, हमें इसका रिजल्ट मिलता है आई गेट 21, इसका रिजल्ट आएगा 21। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 3/4x इज इक्वल टू 21 के साथ 3 आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 21 माइनस 3, 3/4, मैं x को यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं डायरेक्टली, हमें यहाँ पे जो मल्टी डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा हमको 18 एंड 4 यहाँ पर डिवाइड में है x के साथ एंड 3 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 18 से कट जाएगा 6 टाइम, x हो जाएगा x इज इक्वल टू 24,
एक्स की वैल्यू हमारे पास 24 हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, किसी ट्वाइस नंबर मतलब 2x, ठीक है 2x से 11 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, द रिजल्ट वॉज 15। ट्वाइस का मतलब नंबर का डबल, तो ट्वाइस और नंबर नंबर उसको हमने x में एज्यूम कर रखा, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी, इक्वेशन है व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस अ नंबर मीन्स 2x, और इससे हम 11 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है, द रिजल्ट वॉज 15। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 15 एंड 11 प्लस में आ जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 इंटू 26 एंड 2 डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में x के साथ तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलेगा 13। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ अ नोटबुक ही हैज फ्रॉम 50, मतलब कि 50 में से थ्राइस अ नंबर मतलब 3 टाइम्स ऑफ x सब्ट्रैक्ट करता है 50 में से, ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8। ठीक है, मुन्ना क्या कर रहा है, 50 में से 3 टाइम्स ऑफ x, थ्राइस मतलब 3 टाइम ऑफ x, थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज फ्रॉम 50, ही फाइंड रिजल्ट 8, रिजल्ट मिलता है 8। इक्वेशन बन के इसको हमें सोल्व करना है, यानी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये क्वेश्चन है हमारा 8, ठीक है। 50 इसके साथ एडिशन, यानी 50 इस तरफ प्लस का है, 8 के साथ जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस 3x इज इक्वल टू 8 माइनस 50, माइनस 3x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 42 माइनस का, माइनस 42, एंड x को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो x के साथ जब मल्टीप्लाई में माइनस थ्री को 42 के साथ लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा अपॉन माइनस थ्री, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 में 1 टाइम एंड 12 4 टाइम 14, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 14 इसका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।